कि आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ फ्लिपकार्ट का मेकअप ब्रश का रिव्यू। तो गाइज जो ये मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है अभी जस्ट, वो मैं सब कुछ इसी ब्रश से यूज़ करके आपको दिखाऊंगी आगे फर्दर कि कैसे मैंने ये अपना लुक क्रिएट किया है सिर्फ इन्हीं मेकअप ब्रशेस को यूज़ करके। मैंने ना भी फिंगर वगैरह का अपना यूज़ किया है ब्लेंड करने के लिए मेकअप को, और ना ब्लेंडर का यूज़ किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसी ब्रशेस का यूज़ करके आप आज ये मेकअप लुक क्रिएट किए। एंड सॉरी गाइज मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, एंड मैं अगर अपना टेबल स्टैंड अभी चलाऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आएगी घर घर, इसलिए थोड़ा पसीना बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वीडियो में अगर इंटरप्शन आ जाए तो वो नहीं हो सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले गाइज जो ये मेकअप ब्रश मुझे रिसीव हुआ था, इसका कॉस्ट तो मुझे नहीं पता है, वो मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी आप लोगों कि मुझे कितने में मिला है ये। तो ये इस तरीके के बैंड था, एंड जब हम इसे ओपन करते हैं तो ये देखिए इसमें आई थिंक टोटल 24 ब्रशेस का सेट है। बहुत ही बिगनर्स के लिए खास करके बहुत सेट है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है बिगनर्स के लिए, इसलिए क्योंकि आप उतना मतलब इतना ज़्यादा ये कॉस्टली नहीं है। आई थिंक ये अंडर 500 का है, हाँ अंडर 500 का है। तो अंडर 500 अगर आप बिगनर हो तो आप एफर्ट कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा अभी आपको अगर सीखने में हो, मेकअप को सीख रहे हो, तो इससे ज़्यादा एफर्ट करना मतलब बेवकूफ़ी होती है, इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये चीफ एंड बेस्ट में परफेक्ट है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके सारे ब्रशेस। बहुत सारे ब्रशेस गाइस रिसीव हुए हैं, बहुत सारे रेंज में है, आईब्रो ब्रशेस, आईलाइनर ब्रश, लिपस्टिक ब्रश, आई शैडो ब्रश, पाउडर ब्रश, फाउंडेशन ब्रश, हाइलाइटर ब्रश और कंट्रोल ब्रश, सब कुछ है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। तो सबसे पहले ये है गाइस, तो ये है आपको हाइलाइटर ब्रश, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये देखो। तो सबसे पहले मैंने जब इसे मंगवाया था तो ये वाला जो आपको हाइलाइटर का ब्रश है ये मुझे अच्छा नहीं रिसीव हुआ था, तो मैंने इसे रिटर्न करके फिर अगेन ये दूसरा मंगवाया तो सही दिया, तो वो कस्टमर केयर की गलती थी। तो गाइज ये देखो ये बड़ा वाला हाइलाइटर ब्रश है, इससे बहुत ही अच्छे तरीके से हाइलाइटर आप अप्लाई कर सकते हो अपने फेस पर, बहुत ही परफेक्ट है। एंड एक और हाइलाइटर ब्रश है इसमें, ये छोटू सा है, ये छोटू सा हाइलाइटर ब्रश भी फैन ब्रश दिया हुआ है, ये भी बहुत ही सही है, इसे भी आप हाइलाइटर फेस पे अपना अप्लाई कर सकते हो। देन अगेन गाइज है ये आपको पाउडर ब्रश, दो पाउडर ब्रश, दो से तीन पाउडर ब्रश हैं ये देखो, डिफरेंट तरह के पाउडर ब्रशेस हैं, तो आप अगर पाउडर लगा रहे हो तो इसे यूज़ करो, या फिर एक्सेस पाउडर हो गया, एक्सेस मेकअप हो गया आपके फेस पर, तो आप इसे आराम से रिमूव कर सकते हैं। सॉरी देखो मेरा पसीना चलना स्टार्ट हो गया, मुझसे नहीं हो सकता ये अभी के टाइम में गर्मी में, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये देखो पाउडर ब्रश मुझे मिले हैं, बहुत ही अच्छा मिला है। एंड ये एक फाउंडेशन ब्रश है, ये देखो ये फाउंडेशन ब्रश है, मैं अभी फाउंडेशन लगाने के लिए इसी का अप्लाई की हूँ, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से फाउंडेशन ब्लेंड हुआ है। आपको मेरे मेकअप को देख के लग नहीं रहा होगा कि बिल्कुल नेचुरल सा मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है, कोई ज़्यादा खास तामझाम नहीं किया है मैंने, यूज़ तो मैंने सब कुछ किया है लेकिन बहुत ही लो रेंज में मैंने यूज़ किया, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट का यूज़ नहीं किया है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से फाउंडेशन ब्लेंड हुआ, आपको बिल्कुल भी मेरे फेस पे कोड की जो होता है ना वो अजीब सा इफेक्ट वो नहीं आ रहा होगा, अच्छे तरीके से ब्लेंड हुआ है मेरा मेकअप। एंड ये कॉन्टोर ब्रश है, ये देखो कॉन्टोर करने के लिए ये ब्रश है, मैंने अपने चीक को इसी से कॉन्टोर किया है, बहुत ही अच्छा है, मतलब कि अच्छे से हो जाता है। कॉन्टोर ब्रश मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, इसमें थोड़े से और ब्रशेस होने चाहिए तो कॉन्टोरिंग सही से होती है, कॉन्टोर का ब्रश मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेंज में आपको ये देखो ये ब्रशेस मिल रहे हैं। एंड ये आपको मस्कारा जो आपका सॉरी ये जो आपका आईब्रो है उसको ब्रश करने के लिए, उसको शेप देने के लिए है अच्छे तरीके से, ये दो ब्रशेस है। आप अगर आपका ब्रशेस मस्कारा का ख़राब हो गया था आप इससे मस्कारा लगा सकते हो। तो अगेन गाइज मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब ये देखो लिपस्टिक को स्मच करने के लिए ये दो मिला है, दो है। एंड मैंने अभी लिपस्टिक लगाने के लिए इसका यूज़ किया है, लाइनर के मतलब लिप लाइनर लगाने के लिए इसी लिप ब्रश का यूज़ करके मैंने ये लिपस्टिक अप्लाई किया है। और अगेन अगर आप गाइस ब्रश से लिपस्टिक अप्लाई करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका ज़्यादा लिपस्टिक बर्बाद नहीं होता है, बहुत ही सही तरीके से अच्छे तरीके से लग जाता है। इसमें अगेन आपको बहुत सारा रेंज में आप देख सकते हो कि आपको शैडो ब्रशेस मिल जाएंगे, आपको ये ब्लेंड करने के लिए, आईशैडो ब्लेंड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये ब्रश आपको देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। एंड अगर आप क्रीज बनाना चाह रहे हो, जैसे कि आप फाउंडेशन कंसीलर अप्लाई करते हो अपने आईब्रो को अच्छी तरीके से वहाँ सेप देना चाह रहे हो वहाँ पे कंसीलर लगा के, तो ये ब्रश आप यूज़ कर सकते हो, ये ब्रश बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है उसके लिए। एंड बहुत सारा ऐसे जो रेंज का भी रेंज का ये ब्रश इसमें मिला है, एंड ये बिगनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सही है अफोर्डेबल प्राइस में, अगर आप उतना आगे नहीं जाना चाहते हो तो बस पैसे हैं आप और ज़्यादा ऊँचे रेंज में जाना चाह रहे हो तो बहुत सारे ब्रांड के आपके पास ऑप्शन है, आप रेवलॉन का भी ले सकते हो, मेकअप रिवोल्यूशन के भी ब्रशेस अच्छे आते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी आते हैं, तो आप उस पर प्रीफर कर सकते हो। लेकिन अगर चीफ एंड बेस्ट में बात करो तो ये ब्रश आप आराम से यूज़ करते, क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप देखिए कि इस प्रोसेस का यूज़ करके मैंने अपना ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है।
तो सबसे पहले गाइस मैं हेयर वेन लगा रही हूँ ताकि जो मैंने फ़ैन चला रखा है मेरे आगे उससे मेरे बाल जो है आगे ना आए एंड मेकअप करने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले जो है वो मैं ममाअर्थ का ये आपको स्किन सीरम यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सही होता है, स्किन इल्यूमिनेटिंग सीरम है जिसे मेकअप बिल्कुल भी हार्म नहीं करता। एंड अब बारी आती है सारे मेकअप ब्रश को यूज़ करने की। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आईब्रो फिल कर लेती हूँ बिकॉज़ मैंने आईब्रो बहुत दिन से नहीं बनाया है एंड अभी कोई शॉप भी नहीं खुला हुआ, तो थोड़ा आईब्रो को मैं पहले नीचे की तरफ ब्रश कर रही हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि ऊपर में मेरे कितने एक्स्ट्रा बाल जो है आए हुए हैं एंड उसको थोड़ा बहुत तो मैं शेप दे सकूँ, क्योंकि एक प्रॉपर शेप अभी आईब्रो का नहीं आ सकता है कुछ भी, क्योंकि मैंने आईब्रोज़ नहीं बनाए हुए हैं। एंड थोड़ा सा मैं आईब्रो को ब्रश कर दूँगी थोड़ा सा शेप में लाने के लिए, क्योंकि वैसे आईब्रो आपके बाल इधर उधर रहते, एक प्रॉपर शेप में नहीं रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। सो मैंने स्विस ब्यूटी का आपको जो है ये आईब्रो पैलेट यूज़ किया है, ब्राउन शेड का मैंने लिया है, ब्लैक नहीं लिया है कि ब्लैक जो है वो उतना नेचुरल नहीं लगता है जितना ब्राउन आपको नेचुरल लगता है। तो अगेन मैं इस ब्रश के हेल्प से जो है आईब्रो ब्रश के हेल्प से उसे फिर से ब्रश कर दूंगी एंड थोड़ा सा तो शेप आ जाएगा एक प्रॉपर वे में। सो आप देख सकते हो बहुत ही सही है ये, जितना भी ब्रशेस है ब्रशेस का रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एक चीफ एंड बेस्ट में। सो थोड़ा बहुत तो मेरा आईब्रो ठीक हो ही गया। सो अब बारी आती है कंसीलर की। तो कंसीलर के लिए गाइज मैंने यूज़ किया है आपको मेबलिन का फिट मी कंसीलर। मैं ऑलवेज़ यही कंसीलर यूज़ करती हूँ, मैं अपने मेकअप प्रोडक्ट में ज़्यादा वेरिएशन नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो मेरे फेस पे उतना ज़्यादा वेरिएशन सूट नहीं करता। मैं अधिकतर लैक्मी, मेबलिन या रिवॉल्यूशन, मेकअप रिवॉल्यूशन यही सारे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादा। आपने देखा होगा बहुत हुआ तो कभी मैंने स्विस ब्यूटी का यूज़ किया है, मैं ज़्यादा प्रोडक्ट में वेरिएशन नहीं चाहती क्योंकि फेस भी जो इससे ज़्यादा ख़राब होता है, हार्म होता है फेस हमारा, इसलिए मैं ज़्यादा प्रोडक्ट का वेरिएशन नहीं करती हूँ, मैं जितना यूज़ करती हूँ वही यूज़ करती हूँ। तो मेरा आपको क्या कहते कंसीलर तो लग गया। सो अब बारी आती है आई शेडो की। तो सबसे पहले मैंने ये क्या किया है कि आपको सेलो टेप लगा दिया है ताकि मेरा आई शेडो जो है वो बाहर फॉल आउट ना हो। तो सबसे पहले मैं आईज़ मेकअप कर रही हूँ, तो कंसीलर को सेट करने के लिए मैंने लैक्मे का लूज़ पाउडर यूज़ किया है एंड इसी ब्रश के हेल्प से मैं पाउडर लगा रही हूँ ताकि मेरा जो आई शेडो हो वो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो। तो आई शेडो मैं मेकअप रिवॉल्यूशन का यूज़ कर रही हूँ एंड ये पीच सेट ले रही हूँ। मैं फिंगर के हेल्प से ही थोड़ा सा कॉर्नर पे लगा दूंगी, दोनों साइड के कॉर्नर पे। मुझे उतना आपको इस सेट को पूरा अंदर लेके नहीं जाना है, सो मैं यहीं पे कॉर्नर पे ही थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी। मुझे बस थोड़ा सा ही इस कलर का सेट चाहिए, फिर मैं ये आपको मैरून बोल लो, हल्का मैरून कलर का सेट ले रही हूँ वो इनर कॉर्नर पर, बस थोड़ा सा ही जैसा आप देख रहे हो फिंगर के हेल्प से लगा रही हूँ। फिर इसी आईशैडो ब्लेंडर ब्रश के हेल्प से उसको मैं बस वहीं पे ब्लेंड करूँगी अच्छे से, क्योंकि आप हमेशा याद रखना मेकअप में ब्लेंडिंग की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है। मेकअप ब्लेंड अगर सही से नहीं होगा तो आपको मैं आईशैडो का लुक जो है या किसी का भी फाउंडेशन का भी लुक सही नहीं होगा। देन अगेन मैं उसी पैलेट से आपको जो है डार्क ब्राउन टाइप से है या रेड बोल लो उस टाइप का शेड ले रही हूँ, मिडिल पोर्शन पे लगा रही हूँ एंड अच्छे से इसे ब्लेंड करूँगी एंड एक क्रीज टाइप से बना दूँगी इनर कॉर्नर पे ही। सो अब मैं नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ ग्लिटर के लिए, ये वेट एंड वाइल्ड का ग्लिटर है, ये बहुत ही ज़्यादा सही है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात इसकी ये है कि ये आपको फॉल आउट नहीं होती है, ये गमी वाली है, ये बहुत ही ज़्यादा सही है। अगेन इस ब्लेंडर के हेल्प से मैं आपको इनर टू आउटर कॉर्नर पे इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी ताकि एक सिमरी इफ़ेक्ट आए मेरे आईज़ पे एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आप देख सकते हो कि कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। देन अगेन मैं आपको जो है इस पैलेट का यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा ग्लिटर ले रही हूँ, सिल्वर ग्लिटर है, तो जो मैं आईब्रो बोन पे अप्लाई करूँगी थोड़ा मेरा आईब्रो बोन जो है वो हाईलाइट हो जाए, सो ताकि आईशैडो का जो लुक है वो अच्छा है, अब थोड़ा समी टाइप है अच्छा लगा। देखो मैंने हैवी मतलब कलर चूज नहीं किया, अगर मैंने हैवी कलर लिया है बहुत ही थोड़ा लिया है, उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। सो गाइस फाउंडेशन के लिए मैंने अगेन वही फाउंडेशन यूज़ किया आपको, लैक्मी का 925 जो मैं यूज़ करती हूँ एंड आपको फाउंडेशन ब्रश के हेल्प से अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया, आप देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया है। देन मैं अगेन ये ब्रॉन्जर ले रही हूँ मेकअप रिवॉल्यूशन के पैलेट से ही, मैं उसे यूज़ कर रही हूँ एज अ ब्रॉन्जर अपने चिक बोन को थोड़ा सा कट क्रीज देने के लिए।
जो अच्छा लगता है मुझे ये बस मुझे आपको जैसा मैंने बोला था कि वो आपको ब्रश जो है वो मुझे नहीं पसंद है, ब्रॉन्ज़र ब्रश मुझे अच्छा नहीं लगा बस, और कुछ नहीं। एंड सारे ब्रशेस अच्छे हैं तो मैं ये फाउंडेशन ब्रश के हेल्प से ही इसे ब्लेंड कर रही हूँ। एंड ज़्यादा मैंने उस ब्रॉन्ज़र ब्रश का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। एंड मैं थोड़ा सा अपने आपको क्या कहते हैं नेक लाइन को भी थोड़ा हाई ब्रॉन्ज कर रही हूँ। एंड नोज़ को जो है मैं फिंगर के हेल्प से ही कर रही हूँ कि छोटा वाला ब्रॉन्ज़र वाला नहीं था, मेरा ब्रॉन्ज़र ब्रश नहीं था, तो फिंगर के हेल्प से ही थोड़ा सा ज़्यादा नहीं इसे कर रही हूँ। देन अगेन बारी आती है गाइस, मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे आपको फाउंडेशन नहीं अपना ब्लू पाउडर कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट में यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का एब्सोल्यूट। एंड इसी ब्रश के हेल्प से मैं अच्छे तरीके से पाउडर यूज़ लगा रही हूँ ताकि मेरा एक्स्ट्रा पाउडर भी जो नहीं लग रहा है एंड जो भी एक्स्ट्रा मेकअप है वो भी झड़ जा रहा है। एंड ये फाउंडेशन मैं बार बार फाउंडेशन बोल रही हूँ। एंड ये जो कॉम्पैक्ट है गाइज ये मैक के बराबर है, मैक का जो कॉम्पैक्ट आता है उसका आपको लोअर कॉस्ट वर्जन बोल दो क्योंकि ये 800 में आता है एंड मैक बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है लेकिन काम वही करता है। तो अगेन ये पीच सेट जो मैंने आई शैडो का लिया था उसी को मैं ले रही हूँ एज ए ब्लश, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं मुझे ब्लश लगाना, उतना मुझे नहीं दिखना चाहिए अपने फेस पे, बस थोड़ा थोड़ा दिखना चाहिए आपको, एक नेचुरल लुक, एक पिंकिश लुक थोड़ा आना चाहिए। तो इसी ब्रश के फ्लफी ब्रश के हेल्प से ही मैं जो है अपने चीक पे ये ब्लश लगा दी हूँ। एंड आप देख सकते हो उतना ज़्यादा ब्लश नहीं है, बस थोड़ा सा ग्लो आ रहा है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो अब बारी आती है गाइज लाइनर की, तो लाइनर में मैं वही यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का एब्सोल्यूट। ये लाइनर काफ़ी सही है, सेविंग लाइनर, काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हो जाती है। एंड ये क्या, इस लाइनर की एक ख़ास बात है ये फैलता नहीं है उतना एंड बहुत ही जल्दी आपकी आईज़ पे सूख जाता है कंपेयर देन अदर लाइनर। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी अगर आप सीखना चाह रहे हो तो इस लाइनर का यूज़ करो। सो अब बारी थी मस्कारा की, मस्कारा में भी मैं ऑलवेज लैक्मे का यूज़ करती हूँ, तो लैक्मे का हाइपर कर्लिंग मस्कारा है। सो इसे मैं सबसे पहले अपने अपर लैसेस पे लगाऊंगी। मैं फेक लैसेस बहुत ही कम लगाती हूँ, मैं उतना नहीं लगाती हूँ फेक लैसेस क्योंकि मुझे लगाना नहीं आता इतने अच्छे तरीके से। तो दोनों आईज़ के अपर लैसेस पे मैं लगा लूँगी सबसे पहले मस्कारा ताकि एक अच्छा इफेक्ट आए। देन ये हल्का पिंक ग्लिटर टाइप से जो है वो मैं अपने आईज़ के लोअर पार्ट में लगाऊंगी, थोड़ा सा काजल का इफेक्ट आ जाए, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं काजल नहीं लगाती हूँ। जैसा आपको मैंने पहले वीडियो में भी बोल दिया कि मैं काजल का यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे काजल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सो मैं इससे भी दूसरी आईज़ पे लगा लूँगी थोड़ा सा, बस उतना ज़्यादा नहीं, आप देख रहे होगे आपको बहुत कम ही दिख रहा होगा, मैं उतना लगा ही नहीं रही हूँ। सो अगेन मैं मस्कारा जो है अपने लोअर लैसेस पे लगा लूँगी ताकि एक अच्छा लुक आए। सो गाइज मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप देख रहे हो कि मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है एंड मैंने कुछ भी उतना तामझाम वाला यूज़ नहीं किया है। तो बारी आती है लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक में मैं ये जो है लाइनर ब्रश यूज़ कर रही हूँ, मतलब कि लिप लाइनर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। लिपस्टिक लेके थोड़ा सा मैं उसे लिप लाइनर की तरह पहले कर दूँगी ताकि मेरा लिपस्टिक जो है उस एरिया से बाहर, लिप के बाहर ना जाए एंड एक अच्छा सा जो आपको शेप होता है लिपस्टिक का वो मेरा लिप का एक अच्छा सा शेप बन जाए। तो सबसे पहले लाइनर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन अगेन मैं उसी ब्रश से अपने लिप को भी फिल करूँगी। एंड ये मैंने लिपस्टिक का मैंने यूज़ किया है मेबलिन का लिपस्टिक यूज़ किया है गाइस, ये मेबलिन की लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा क्रीमी होती है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे मेबलिन का लिपस्टिक बहुत पसंद है। इनफैक्ट लैक्मे से भी ज़्यादा मुझे मेबलिन का लिपस्टिक पसंद है। सो मेकअप तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है तो बचा है बस हाइलाइटर। हाइलाइटर लगाने के लिए मैंने छोटे वाले फ्रेन ब्रश का यूज़ किया है, मैं उतना ज़्यादा हाइलाइटर नहीं यूज़ करूँगी, मुझे बस थोड़ा सा यूज़ करना है और नहीं, क्योंकि मैंने आपको जो आई शैडो यूज़ किया वो भी समरी आई शैडो है, सिमरी आई शैडो है, तो इसलिए ज़्यादा मुझे यूज़ नहीं करना। बस मुझे नोज़ को अपने थोड़े पसंद है कि मेरा नोज़ थोड़ा शाइन करते रहे, तो मैं नोज़ को जो है हाईलाइट कर लूँगी थोड़ा सा आगे एंड अपने आपको चिक पे भी थोड़ा सा किया और कुछ भी नहीं। गाइज अगर आप मेकअप में कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे हो, थोड़ा सा बस हाइलाइटर यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा ग्लोई डुई लुक आ जाता है आपके फेस पे, तो इसलिए मैं हाइलाइटर जो है मस्ट से मस्ट यूज़ करती हूँ। तो अब मैं सेटिंग स्प्रे का यूज़ कर रही हूँ, मैंने स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है। गाइज मेरे फेस पे सेटिंग मतलब सॉरी स्वेटिंग इतनी होती है कि मेरा मेकअप फिक्सर भी कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है। अभी जस्ट मैं फ़ैन ऑन करूँगी और स्वेटिंग मेरे फेस पर होने लगेगी।
तो ये इयररिंग मैं आज वेयर करूँगी, ये ऑक्सीडाइज क्यूट सा इयररिंग एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज। मैंने रेड कलर का सूट वेयर किया है, आई होप आप सबको पसंद आए। थैंक यू गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो फ्लिपकार्ट मेकअप ब्रश रिव्यू एंड हॉल ट्राई भी करके मैंने आपको दिखाया कि कैसे इस ब्रश का यूज़ कर सकते हैं आप। खुद पे ट्राई किया, ये मेकअप लुक क्रिएट किया, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, बट और लाइक तो करना ही करना, शेयर भी करना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड जो बेल आइकन है वो भी जरूर प्रेस करना, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप मेरा वीडियो देख सको। तो गाइज, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, अपना प्रीसियस टाइम देने के लिए एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अभी का जो टाइम है बहुत ही ज़्यादा कोरोना का केस बढ़ रहा है, तो एक दूसरे के लिए प्रेयर कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि भगवान की प्रार्थना में जितनी शक्ति है उतनी किसी भी चीज़ में नहीं होती, क्योंकि एक मन में पॉजिटिविटी आती है तो वो रखो, दवाई तो मस्त जरूरी है लेकिन प्रार्थना भी, एक दूसरे के प्रेयर भी करना सबसे ज़्यादा भी ज़रूरी है। तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ एंड मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट टाइम, बाय बाय।